एक ऐसा मंदिर जहां खुद से देवी करती है अग्नि स्नान। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से मंदिर स्थापित हैं, जो अपने आप में ही बहुत प्राचीन और विख्यात है। इन मंदिरों की लोकप्रियता इतनी होती है कि दूर दराज के लोग तो आते ही हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही पुराना और जिसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये मंदिर राजस्थान की इडाणा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माँ के चमत्कारिक दरबार की महिमा बहुत ही निराली है, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे चमत्कारिक स्थलों के बारे में सुना होगा, लेकिन इसकी दास्तां बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली है। ये स्थान उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। माँ का ये दरबार बिल्कुल खुले एक चौक में स्थित है। आपको बता दें, इस मंदिर का नाम इडाणा उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में भक्तों की खास आस्था है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि लकवा से ग्रसित रोगी यहाँ माँ के दरबार में आकर ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर की हैरान करने वाली बात है ये है कि यहाँ स्थित देवी माँ की प्रतिमा से हर महीने में 2 से 3 बार अग्नि प्रज्वलित होती है। इस अग्नि स्नान से माँ की संपूर्ण चढ़ाई गई चुनरियाँ धागे भस्म हो जाते हैं और इसे देखने के लिए माँ के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। लेकिन अगर बात करें इस अग्नि की, तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये अग्नि कैसे जलती है। इडाणा माता मंदिर में अग्नि स्नान का पता लगते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इडाणा माता पर अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है। ये अग्नि धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है और इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक पहुँच जाती है। लेकिन इस अग्नि के पीछे खास बात ये भी है कि आज तक श्रृंगार के अलावा किसी अन्य चीज को कोई आंच तक नहीं आती। भक्त इसे देवी का अग्नि स्नान कहते हैं और इसी अग्नि स्नान के कारण यहाँ माँ का मंदिर नहीं बन पाया। ऐसा मान्यता है कि जो भी भक्त इस अग्नि के दर्शन करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ भक्त अपनी इच्छा पूर्ण होने पर त्रिशूल चढ़ाने आते हैं और साथ ही जिन लोगों के संतान नहीं होती, वो दंपति यहाँ झूला चढ़ाने आते हैं। खासकर इस मंदिर के प्रति लोगों का विश्वास है कि लकवा से ग्रसित रोगी माँ के दरबार में आकर स्वस्थ हो जाते हैं।